चमलवास बानीहाल का नौजवान बेरोजगारों के लिए मशाले राह। जहां बानीहाल के लोग जमींदारी और बागबानी को वक्त का जिया समझते थे, अब ये सभी लोग चमलवास के तालीम या फतह नौजवान की कोशिश और मेहनत को अपने लिए रोजगार का जरिया बना रहे हैं। चमलवास के जुबैर अहमद ने अपने बंजर जमीन में आलू बुखार, सेब, नाशपाती, अंगूर व आड़ू की खेती करके अपने लिए एक मुस्तकिल जरिया रोजगार बना लिया है और मकामी लोगों के लिए मशाले राह बनकर लोगों को बागबानी के शोबे की तरफ माइल कर लिया है और अपनी आमदनी का जरिया बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसरत इस्लाम ने कई बार ट्वीट के जरिए जुबैर अहमद के इस काम की हौसला अफजाई की है। बानीहाल के इलाकों में बागबानी के लिए मौसमी हालात बेहतर बताए जाते हैं, ताहम इस काम के लिए मुतल्लिका महकमों और नौजवानों को आगे आने की जरूरत है ताकि वो रिवायती जमींदारी के बजाय जदीद दौर की खेती बाड़ी से जोड़े जा सके। बानीहाल से दस्ती टाइम्स के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। मेरा नाम जुबैर अहमद सोहेल है, मैं डिस्ट्रिक्ट रावमन तहसील बानीहाल चमलवास विलेज का रहने वाला हूं। मैं अपने फार्म पे तरह तरह की सब्जियां बनाता हूं। यहां मैं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री के साथ साथ में मैं डायरी का काम करता हूं और मैंने शीप फार्मिंग भी यहां पे स्टार्ट की हुई है। तो 2019 के बाद मैंने एज ए प्रोफेशनल इसमें 2019 के बाद मैं एज ए प्रोफेशनल इसमें आया हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे तजुर्बा भी कर रहा हूँ और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मैं जो काम करके उस पर अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। तो हमारा जो यूथ है, जो आजकल जो बैठा हुआ यूथ है, सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना टाइम जो ज़ाया कर रहा है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि वो जो है अपने लैंड, अपने आसपास आपके जो लैंड है उसे इस्तेमाल करके आप जो रोज़गार अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे यूथ ऐसे भी है जो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। आप जो अपनी जो जो एनर्जी है जो आप बाज़ार में वेस्ट करेंगे, मोबाइल के ऊपर वेस्ट करोगे या बाकी चीज़ों के ऊपर वेस्ट करेंगे, तो मेरी एक एडवाइज़ आपसे है, अगर आपने चुस्त रहना है, आपने तंदुरुस्त रहना है, अगर आपने पैसा चार कमाना है, तो आप जो है फार्मिंग की तरफ आ जाओ, आप फार्मिंग की तरफ आ जाए। और फार्मिंग एक ऐसा काम है, ये आपको अमीर करता है। फार्मिंग एक ऐसा काम है जो आपको मोटिवेशन देता है। फार्मिंग जो है दिन ब दिन ऊपर आपको लेकर जाएगा। फार्मिंग से आप में जो, मैं उसे कहूँगा कि आप में डेवलपमेंट होगी, आपके जो आपकी जो ज़िंदगी है उसे बदल जाएगी। मुझे लगता है फार्मिंग जो है, जब आप कोई चीज़ काम करते हो तो फिर उसमें रिजल्ट आता है, आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, डायरी फार्मिंग या शीप फार्मिंग या जो की बहुत सारी स्कीमें हैं, तो अगर हम में से एक नौजवान ने सिर्फ एक स्कीम इसमें से ले लिए, तो मुझे लगता है आप उस नौजवान के लिए वो काफ़ी होगा। इस वक्त देखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सटेंशन ऑफिसर्स तक आपकी मदद करते हैं। आपको तरह तरह के सीड मिलते हैं, आपको तरह तरह की ब्रीड्स दी जाती है, सब्सिडी, जो भी आप कोई काम करेंगे उसमें 50% आपको सब्सिडी होती है। तो मुझे, जैसे मेरा तजुर्बा है, मुझे यही लगता है कि हम जो यूथ है, जो हमारे पीछे जो यूथ है, वो जो है इसमें इंटरेस्ट कम ले रहा है। अगर वो इसमें इंटरेस्ट लेगा तो हमारी स्टेट जो है, अगर हम 60 या 62% हमारी इकानमी इस पर डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर, मुझे लगता है 90 से 95% हम जा सकते हैं। और हम खासकर जो हमारे जम्मू डिवीज़न चनाब वैली का जो एरिया, यहाँ पे अभी जो फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग का बहुत कम कंसेप्ट है। तो मेरा जो पेज है चनाब वैली फार्मिंग, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ, वहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिल सकती है और यहाँ आपको अच्छा खासा रोज़गार मिल सकता है।